दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट पर द बिग बिलियन डेज आते हैं इस फेस्टिव सीज़न के दौरान। अब फ्लिपकार्ट लेकर आ गया है अपने द बिग बिलियन डेज़। इनका जो टाइम पीरियड है स्टार्टिंग है 29 सितंबर एंड ये ख़त्म हो जाएगा 4 अक्टूबर की रात 12 बजे। तो गाइज़ यहाँ पर लिखा है लोएस्ट प्राइजेज ऑफ द ईयर। तो देखते हैं क्या क्या फ्लिपकार्ट कुछ अच्छा लेकर आया है या फिर वही पुरानी डील्स दे रहा है उसी दाम में। सबसे पहले मैं आपको बैंक ऑफ़र के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक नहीं है। ICICI बैंक में मिल जाएगा आपको क्रेडिट कार्ड्स पर, एंड अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट है या डेबिट है तो आपको उस पर भी 10% मिल जाएगा। इसकी आगे टर्म एंड कंडीशन तो वो हमें पता लगेंगी 29 सितंबर को। अगर आप जानना चाहते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के बारे में तो आप ज्यूम कर लीजिए एक बारी कि आपको 1500 तक मैक्सिमम मिल जाएगा, एंड मिनिमम जो होगा वो होगा 5-6 हज़ार। मेरे हिसाब से 5 हज़ार मिनिमम होगा एंड उस पर आपका 10% लग जाएगा। तो ये थी डिस्काउंट की बात। आगे हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कुछ फ़ोन्स में आपको बताऊँगा जो आप ख़रीद सकते हैं 10 से 15 हज़ार की रेंज में। फ्लैगशिप फ़ोन्स के लिए भी एक बनाएंगे अगला वीडियो, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहना एंड तक। गाइस सबसे पहले रियलमी C2 आ जाता है जिसका वेरिएंट है 2 GB और 32 GB, 6 हज़ार की प्राइस रेंज में है। एंड इसमें आपको ड्यूल रियर कैमरा मिल जाता है। इसकी अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर पड़ी है और रिव्यू है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काफ़ी अच्छा फ़ोन है। साथ में बात कर लेते हैं Note 7 Pro की, जिसका 48 MP कैमरा काफ़ी माना गया है, तो वो भी इंडियाज़ नंबर 1 बेस्ट सेलर ऑफ 2019। तो इसका जो फ़ोन है वो आपको यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है 4GB 64GB 10,999, लेकिन नीचे ही इन्होंने इंक्लूड कर दिया 1000 ऑफ ऑन एक्सचेंज। तो आप इसको तो बिल्कुल ही काट दीजिए, आपको ये 11,000 की रेंज में नहीं मिलेगा। ये फ़ोन होगा 12,000 की रेंज में। उसमें आपको अगर आपके पास कार्ड वगैरह है शायद उस पर डिस्काउंट लग जाए, नहीं तो आपको 11,000 पे करना पड़ेगा। कोई अगर आप एक्सचेंज कराते हो तो आपको 1000 रुपये कम हो जाएगा, लेकिन कुछ और ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये भी गेमिंग के लिए। Note 7S में सिर्फ फ़र्क डाला था इन्होंने, स्नैपड्रैगन 660 में आपको 48 MP कैमरा दिया था, तो उसका भी आपको यहाँ पर प्राइस रेंज दिख रहा है 32 GB का 9,000 है। एंड साथ ही में अगर इसमें बैंक ऑफर्स लग गया तो काफ़ी अच्छा लग जाएगा। Realme 5 है स्नैपड्रैगन 665 के साथ। वीवो का Z1X काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसकी चार्जिंग काफ़ी फास्ट है एंड प्राइस रेंज भी अच्छा है। ये 15,000 की रेंज वाले फ़ोन है। इसमें से आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप ओप्पो के फ़ोन तो मत लेना इनमें से, क्योंकि जो F11 Pro है इसमें प्रोसेसर अच्छा नहीं है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आप वीवो का Z1X ले लीजिए। साथ ही में बात कर लेते हैं A50 की। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा प्रीमियम फ़ोन और बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहते हैं, कैमरा भी अच्छा चाहते हैं, डिस्प्ले भी अच्छी चाहते हैं, चार्जिंग स्पीड सारा कुछ अच्छा चाहते हैं, तो सैमसंग का A50 ले लीजिए, 4GB ले लीजिए या 6GB ले लीजिए। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मेरे दोस्त ने चलाया ये फ़ोन, काफ़ी ज़्यादा बिके हैं ये फ़ोन। आप देख सकते हैं मोर देन 1.5 मिलियन फ़ोन सोल्ड। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको 3 कैमरास मिल जाते हैं, जिसकी AMOLED डिस्प्ले है वो तो बस सुपर है। आगे ओप्पो के फ़ोन मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, काफ़ी ज़्यादा प्राइस है इनका, लेकिन इतनी बात नहीं है, तो इसको हम कर देते एक बार स्किप। रेडमी का एक नया आ गया 8A, उसकी भी शायद सेल लगेगी अभी जल्दी ही। 7A का प्राइस हो गया है 4,999 रुपये। अगर आप बजट रेंज में लेना चाहते हैं तो आप ये ले लीजिए। Realme 5 Pro अच्छा है फ़ोन, है ओप्पो का ही है, एंड ये देखिए आप 12,999 में। जो मेन डील है वो है ये देखिए Poco F1 फर्स्ट टाइम एवर स्नैपड्रैगन 845 अंडर 15,000। तो ये 6GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 15,000 में। तो ये फ़ोन मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ अगर आप गेमिंग PUBG के लिए लेना चाहते हैं। अगर आप लुक वाइज लेंगे तो ये फ़ोन मत लेना, क्योंकि 15,000 में काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन हैं, जिस अगर आपको प्रोसेसर इतना हाईफाई नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ये काफ़ी फ़ोन अभी पुराना हो चुका है। इसके बाद इनका Poco F2 भी आ गया जो K20 Pro के नाम के पर आया है, तो आप इसको मत लेना। अगर आप ओनली गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं और आपके पास पैसे कम है तो आप ये लीजिए Poco F1। आगे बात कर लेते हैं एप्पल के बारे में, अभी हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो में हम छोटे फ़ोन्स की बात कर रहे हैं। सैमसंग के ऊपर भी नेक्स्ट अगला वीडियो बनाएंगे, एंड ये सभी महंगे फ़ोन हैं तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। ये इन्फिनिक्स वाले फ़ोन हैं, मुझे इन्फिनिक्स अच्छा नहीं लगता। इन्फिनिक्स का ब्रांड बस ठीक ठाक सा है, इससे तो बेटर है रियलमी बेटर है एंड MI बेटर है, तो इन फ़ोन्स को तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। एक ये फ़ोन है Nokia का 6.1 Plus,
4GB वाला वेरिएंट है 8999 रेंज में, तो ये मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है क्योंकि आप इसका देख सकते हैं प्राइस 17600 दिखा रहा है। ड्यूल कैमरा है एक, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रोसेसर भी अच्छा है, तो आपको मैं ये रेकमेंड कर सकता हूँ 9000 की रेंज में। गाइज़ अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं इन फ़ोन्स के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक